रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम लोग रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल। हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी के मेन रोड मरी रोड के ऊपर, और मरी रोड में भी स्पेसिफ़िकली हम वहां पे मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने कल के लॉन्ग मार्च के जलसे के लिए अपना पंडाल जो है वो सजा लिया है। पंडाल के अंदर जो है लाइटिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, और ये जो पंडाल है इसकी लेंथ तकरीबन 2 किलोमीटर तक की है। ये शुरू होता है डबल रोड से फैज़ाबाद तक। फैज़ाबाद के अंदर जो है वो स्टेज सेट किया जाएगा। अगर मैं इस रोड की लेंथ की बात करूं तो ये तकरीबन इसकी जो विड्थ है, लेंथ तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये तकरीबन 2 किलोमीटर है, और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 100 फुट के करीब है। तो अभी हम जाएंगे जो नवाज शरीफ पार्क है, इससे मुल्क एक पार्क है, उसके अंदर खैमा बस्ती भी नस्ब की जा रही है, उसके विजुअल भी आपको दिखाएंगे, और उसके साथ साथ जहाँ पे स्टेज सेट किया जाएगा वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की पोजीशन क्या है, और कुछ लोगों से भी वहाँ जाकर हम बात करेंगे। जी नाजरीन, हम लोग मौजूद हैं नवाज शरीफ पार्क में। यहाँ पे जो है खैमा बस्ती नस्ब की गई है। यहाँ पे लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे लोग बहुत पुरजोश हैं और वो नारे भी लगा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आपके जो है खैमा बस्ती का जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा खैमे जो हैं यहाँ पर नस्ब जो है वो किए जा चुके हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हम आपको एक पूरा जो है वो विजुअल दिखा देते हैं। ये जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि पूरा जो पार्क है वो खैमों से आप जो है वो भर चुका है। लेफ़्ट राइट जो है हमारे दोनों साइड पे जो है वो खैमे नस्ब किए जा चुके हैं। अब हम इन खैमों में आने वाले कुछ कारकुनान से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कितने पुरजोश हैं। जी नाजरीन, कुछ कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने दिन तक वो इमरान खान के साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम कादर खान सुलेमान खेल है, मैं ज़िला हफ्जाबाद से हूँ। हमारे साथ पूरी टीम माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इस तरह समझे मौजूद है। हम खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च से चल रहे हैं, और पहले मैं बता दूँ अमर बिलमरूफ के जल्द से लेकर आज तक हम खान साहब के साथ साथ हैं, और इंशाल्लाह खान साहब के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब खुदा के लिए एक आदमी, गरीब आदमी के बच्चे के ऊपर अगर FIR हो जाए तो उसको चपरासी नहीं लगाया जाता। आपने कैसे इस क्राइम मिनिस्टर को हमारे ऊपर वज़ीर आज़म लगा दिया है। इसके बेटे के ऊपर 7 अरब रुपए का केस है। क्या हम डॉक्टर रिजवान साहब को भूल चुके हैं? उनको जो शहीद किया गया है, मकसूद चपड़ासी के साथ जो जुल्म हुआ है, पाकिस्तान की आवाम कभी भी नहीं भूलेगी, और हर बात इंशाल्लाह लिखी जा रही है। और इमरान खान साहब को मैं सुर्ख सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, गैरतमंद आवाम को जगा दिया है। और मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ सुलेमान खेल के बैर फरार जिन्होंने पंजाब के सदर होने के नाते, सब सुलेमान खेल और सब पख्तूनों को मेरा ये इल्तिजा है कि इंशाल्लाह सब आपने आज शाम को जो पहुँच सकते हैं आज शाम को पहुँचे, जो आज शाम को नहीं पहुँच सकते वो कल इंशाल्लाह 12 बजे से पहले हमारे दिलों के वजीर आजम इमरान खान साहब जो है उनको इंशाल्लाह सलूट भी पेश करेंगे और उनका इस्तकबाल भी करेंगे। और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। रावलपिंडी से भी लोग निकलेंगे, KP से भी इंशाल्लाह हमारे जवान आ रहे हैं, और कोटे से कासम सूरी की क़यादत में आ रहे हैं। जनाब सब जनाब हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ कारकुन तावन कर रहे हैं, और कारकुनों के साथ लीडरान तावन कर रहे हैं। मैं यहाँ माशाल्लाह रात से मौजूद हूँ, खाना भी दिया गया है, और माशाल्लाह कारकुनों की बहुत सेवा की गई है, और इसके बाद कारकुन इंशाल्लाह तैयार होकर आए। 1 माह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं जो लगातार है, कारकुन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक खान साहब नहीं कहेंगे। खुदा की कसम हम पीछे हटने वाले नहीं है, 1 माह हो गया, चाहे 6 माह और रुकना पड़े इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे एक बस्ती जो है वो भी कायम कर दी है, इन इंतज़ामात के बारे में आप क्या कहेंगे, और ओवरऑल आप कितने पुरजोश हैं? इंतज़ामात का तो मुझे पता नहीं है, हमें इतना पता है कि जब से खान साहब ने हमें कॉल दी है लिबर्टी चौक से लेकर आज तक हम खान साहब की हर कॉल पे हम हाज़िर हुए हैं। वहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। जब तक खान साहब हमें कहेंगे हम इंशाल्लाह यहाँ मौजूद रहेंगे। ये कहते हैं हमने रात नहीं रहने देना, हमें ये मारे गोलियाँ, हम मरने के लिए आए हैं, हम यहीं रहेंगे। हम यहीं रहेंगे जब तक खान साहब हमें नहीं कहते कि आप चले जाएं, हम यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे जो कारकुनान हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और उनका ये भी कहना है कि खान साहब जितने दिन ही हमें हुक्म देंगे हम इस बस्ती के अंदर मौजूद रहेंगे, खान साहब के साथ मौजूद रहेंगे। जी जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मकाम पर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए जो है स्टेज की तैयारी की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 के दरमियान जो है वो कंटेनर्स जो हैं वो रखे जा रहे हैं स्टेज के लिए। स्टेज का काम जो है वो 50% तक मुकम्मल हो चुका है और यहाँ स्टेज को महफूज बनाने के लिए इसकी लेयर्स लगाई गई हैं बैक साइड पे। फ्रंट पे कुछ जो है कंटेनर मौजूद हैं और पिछले 5 से 6 लेयर्स हैं बैक साइड पे भी मौजूद हैं। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये तकरीबन जो है वो 100 फुट चौड़ा जो है ये स्टेज है और हाइट की बात करें कि 40 से 50 फुट जो है वो इसकी हाइट है। अब ये जो रास्ता है फैज़ाबाद का इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और स्टेज जो है वो उसकी तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। जी मेरा रिश्ता क्या बचाएगा पाकिस्तान, हम लेकर रहेंगे।